अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बखैर वाफियत होंगे। आज का जो ये व्लॉग है, ये बस जो है मैं गोप्रो को एक नाइट मोड में टेस्ट करना चाह रहा हूँ। दिन में तो इससे बहुत सारी व्लॉगिंग की है हमने, मगर मैं सिर्फ रात में इसका ज़रा रिज़ल्ट देखना चाह रहा था कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। एक्चुअली आपको मैं काफ़ी दिन से कुछ व्लॉग दे भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी गोप्रो की जो बैटरी थी वो ख़राब हो गई थी। तीनों की तीनों बैटरियां जो हैं वो गर्मी की वजह से फूल गई थी, तो मैंने कुछ ही दिन पहले जो हैं वो बैटरियां परचेज़ की हैं और इसका एक चार्जर लिया, फास्ट चार्जर। तो दिन में तो मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस बनाई हैं, आपने मुझे सपोर्ट भी किया हुआ है, देखते भी हैं आप लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने इसका सिर्फ रात में एक रिज़ल्ट चेक करने के लिए मैंने कहा चलें देखते हैं कि रात में इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी मैं जिस रोड के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, ये बोसन रोड मुल्तान है, और मेरा लेफ़्ट साइड पे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं इसके बिल्कुल पीछे जो है वो ब्रांड रोड है। तो वापसी पे जो है वो ब्रांड रोड भी चलेंगे। अभी जस्ट हम जाएंगे मेट्रो के आखिरी स्टेशन जो कि BZU बहाउद्दीन ज़िकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के पास मौजूद है, वहाँ से फिर हम यू टर्न लेंगे और वापस फिर ब्रांड रोड पर आएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। ये भी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4K 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1080p पे रिकॉर्ड करता तो शायद इसका वो रिज़ल्ट ना मिल पाता। इसलिए मैंने ट्राई किया है कि इसको 4K के ऊपर रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट आता है। अच्छा, जिस जगह मैं पहुँच गया हूँ इसको चुंगी नंबर 6 कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 5th 6th क्लास में था, मुझे थोड़ा बहुत होश था, तो इस जगह के बाद आगे सारा बंजर बियाबान होता था। बंजर बियाबान से मुराद ये है कि फसलें होती थी और यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ जो अब या आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रैफिक जाम यहाँ पे ऐसी नहीं हुआ करती थी। लोग यहाँ से अड्डा बंद बोसन यहाँ से तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक सफ़र करने के लिए लोग बसों पर सफ़र किया करते थे। तो ये एक आखिरी जगह हुआ करती थी और यहाँ के लोग भी जो है वो 7 बजे, सर्दियों में 6 बजे अपनी शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ करके चले जाया करते थे, और ट्रैफिक ना होने के बराबर होती थी। लोगों के पास उस वक्त इतनी लग्जरी जो है वो आइटम्स नहीं हुआ करती थी, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें होती थी, मगर आप कहें कि जी बहुत ही कोई, जिस तरह अब इन चीज़ों की रेल पेल है हमारे पाकिस्तान में, वैसी थी तो वैसी नहीं थी। तो यहाँ सारा मेरे जो लेफ़्ट राइट आप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ पे फसलें हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे। अब आप इसके राइट साइड पे चले जाएं, जिस तरह ये भाई बाइक वाले जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कॉलोनियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। नक्शबंद कॉलोनी है, ज़िक्रिया कॉलोनी है, शालीमार कॉलोनी है। मेरे लेफ़्ट साइड पर चले जाएँ तो यहाँ पर खान बहुत सारी, आप जिसे कहें कि तरक्की कर चुका है ये 20 साल के अंदर, मुल्तान यहाँ तक पहुँच गया। और अब तो जो अड्डा बंद बोसन की बात कर रहा हूँ, वो और मुल्तान के दरमियान में मेरे ख्याल में जो 20 किलोमीटर का फासला है वो भी ये फासला नहीं रहा, क्योंकि इसके दरमियान में बुच विला बन गया है, DHA आ गया मुल्तान में, देन जो है आपका सिटी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 1 आया हुआ है यहाँ पर। अब आप कहें कि अड्डा बंद बोसन 20 किलोमीटर दूर और बसों का सफ़र, तो वो भूल जाए, अब तो लोग बाइकों पर चले जाते हैं। अच्छा, आज रोड पे इसलिए रश है कि एक तो सैटरडे नाइट है और इसलिए लोग जो है वो एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलियों के साथ निकले हुए हैं बाहर की तरफ। बाइक मेरे पास पहले 125 थी, वो मैंने बेच दी थी, आपको मैंने बताया था जैसे। इसके बाद मैंने यामाहा लिया था, और यकीन करें कि वो बाइक बेचने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है कि वो तो पूरी वाइब्रेशन की एक मशीन थी। आपको थाईलैंड जो है वो मसाज करवाने नहीं जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाज हो जाए तो आप मेरे कहने पे 125 होंडा 125 ले लें, वो आपको यहीं वाइब्रेशन के ज़रिए मसाज कर देगा। खैर, ये तो एक मजाक की बात है, अपनी राइड को एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो, और बड़ी कम्फर्टेबल राइड है। ये भी अरूज था, आज कल अल्लाह पाक ने इसको अरूज दिया हुआ है, माल ऑफ मुल्तान। और बहुत सारे मॉल्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर। DHA में बहुत सारे मॉल्स जो हैं वो
जिनकी इनोग्रेशन आप कहते हैं वो कर दी है, कुछ होटल्स हैं उनकी कर दी है। ये बाईपास है, राइट साइड पे बाईपास जाता है लाहौर की तरफ। मैं अब ये लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये डेरा इस्माइल खान, भक्कर, लिया, कोटद्दू, आज तो ट्रैफिक का कुछ ज़्यादा ही रश है। क्यों रश है ये आपको मैंने वजह बता दी है। यहाँ के बाद इस को क्रॉस करने के बाद, यानी कि इस स्टेशन को क्रॉस करने के बाद आपको ट्रैफिक में इतना फ्लो नहीं मिलेगा। अभी यहाँ के जो राइट और लेफ्ट साइड वाली जगह है, यहाँ पे अंदर कोई 500-600 मीटर जाके अभी भी आपको आम के बागात मिल जाएंगे लेफ्ट साइड वाली जगह पे। राइट साइड पे फिर कॉलोनियाँ और कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपको अभी भी आमों के बाग यहाँ पे मिल जाएंगे। मगर जो आम यहाँ पे 2 साल पहले हुआ करता था मुल्तान में, वो अब आम की काश्त यहाँ पे नहीं रही, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि DHA क्लेम करता है कि जी हमने 7000 एकड़ के ऊपर DHA बनाया, वो सारा वहाँ पे आम था उस वक्त, तो अब वहाँ पे वो आम नहीं रहा। यहाँ पे अब आपको ट्रैफिक का फ्लो वैसा नहीं मिलता, यहाँ पे आप सुकून से जो है ना वो अपनी राइड कर सकते हैं बाइक की, और जितना चाहे वो मीटर मार सकते हैं रात के टाइम स्पेशली। अभी तो 70 का एक मीटर मारा, मगर अभी गाड़ी आ गई आगे, चलें देख रहे हैं, चल रहे हैं हम साथ साथ। लोग भी, बाबा जी भी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, लोग ऐसे स्लो गाड़ियाँ चलाते हैं रोड के ऊपर भी कि बस पता नहीं कि हम सैर व तफरी करने हैं। उनका भी कसूर नहीं है, कसूर एक्चुअली ये है कि पेट्रोल जो है वो 323 रुपए लीटर आज की तारीख में पाकिस्तान में है, तो ज़ाहरी बात है हर कोई छोटे गियर से निकाल के बड़े गियर में गाड़ी डाल के और पेट्रोल की बचत करना चाहता है, जो कि उनका राइट भी है। हमारे मुल्क में बस यही चीज़ें रह गई हैं, आवाम अब सेविंग नहीं कर सकती, आवाम खाना पीना रोटी बस और पेट्रोल शेट्रोल ये पूरा कर ले तो बड़ी बात है, बच्चों की फीसें। खैर जी, अभी हम पहुंच गए हैं बीकन हाउस वाले मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ से लेफ्ट साइड पे मेरे पास आएगा मेट्रो कैश एंड कैरी। मेट्रो कैश एंड कैरी के बाद BZU का स्टेशन है, और वहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। यहाँ पे ठंड है हल्की हल्की। अच्छा, अभी यहाँ पे ना सर्दी की आमद आमद है, और अभी जो महीना चल रहा है वो माहे अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ पे रात में हल्की फुल्की जो है वो ठंड मौजूद है। ये लास्ट स्टेशन है जी यहाँ का बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का। रात का टाइम है, आपको बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का गेट नज़र नहीं आएगा, मगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको BZU का गेट दिखा सकूँ। इतना अच्छा कोई रिज़ल्ट नहीं मुझे लगता कि GoPro का यहाँ पे रात में होगा। ये BZU का मेन एंट्रेंस है जी सामने, जहाँ से हम अपना कैमरा करेंगे बंद, और अब आपको जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा ब्रांड रोड के मुल्तान पे, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, खाने पीने के बहुत से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं बहुत अच्छे अच्छे, आपको ढाबा से लेके और अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टीनेंटल, जो आप खाना चाहें व्हाटएवर, KFC में सब मिलता है वहाँ पर। तो अभी मैं अपना GoPro बंद करता हूँ और आपको फिर लेके चलते हैं ब्रांड रोड की तरफ। ब्रांड रोड पे जाने से पहले मैंने आपको कहा कि सोचा कि आप लोगों को गुलगश्त जो मेन बाज़ार है उसका भी एक स्ट्रीट व्यू देता चलूँ। अभी जहाँ हम पहुँच चुके हैं, इसको जलाल मस्जिद चौक कहा जाता है, और आप जब भी जलाल मस्जिद चौक आएँ यहाँ पर जलेबियाँ ज़रूर खाएँ,
यहाँ पे जलेबियाँ इसकी बहुत मशहूर हैं। मस्जिद का ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे जो है वो जलेबियों वाला खड़ा होता है शाम में। गौरी टिक्का अपनी अपनी पसंद है भाई, मुझे तो पसंद नहीं है। और खाने बहुत अच्छे भी हैं और बहुत आहो समझदार हैं बाप। ये जलाल मस्जिद चौक है जी, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे तो आ जाएंगे गर्देजी मार्केट, जो कि खातून खाना का बहुत ही पसंदीदा बाज़ार है। यहाँ पे आप उनको 2 लाख रुपए देके भेजें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनकी हर पसंद की चीज़ मिलती है। रश एज़ यूजुअल, मैंने जो आपको बताया सैटरडे है, जिसकी वजह से बहुत रश है यहाँ पे। कोशिश करते हैं निकलने की आगे, मगर इसके मेरे जो लेफ्ट साइड है ना, इसके पीछे भी एक बाज़ार है, तो कॉस्मेटिक वगैरह दूसरी चीज़ें मिलती हैं। ये गर्देजी मार्केट को हमने क्रॉस कर लिए, जो आप देख रहे हैं आप ये समझ लें कि जहाँ हम फेर रहे हैं ये गुलगश्त कॉलोनी है पूरी। यार बहुत रश है आज तो, वाकई इतना रश नहीं होना। अच्छा अभी ना मैंने हेलमेट पहना और मुझे गर्मी भी लग रही है। चलें चलते हैं, हम आ चुके हैं, इसको ब्रांड रोड कहते हैं। और यहाँ पे आपको पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 70% तमाम ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, एडिडास, हश पपीज, ऑन स्टेज, अलकरम स्टूडियो, लिवाइज, जो जो मुझे नज़र आ रही है, आइडियाज़, खाडी, FPL, कैम्ब्रिज, एथनिक, जो जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स आपको जो है ना कपड़े के, जूतों के, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इस जगह को ब्रांड रोड कहते हैं और यहाँ के प्रॉपर्टी की वैल्यू ना पूछें। जिसका किसी वक्त में अगर 10 करोड़ का घर था तो अब वो पता नहीं भाई, अब तो अरबों में चला गया होगा, अरबों रुपए में। रश एज़ यूजुअल वही चल रहा है जिससे मैं बचना चाह रहा था, रश से। यहाँ पे ईद के दिनों में कोई त्यौहार आ जाए, क्रिश्चियंस बरादरी की कोई क्रिसमस आ जाए, कुछ भी आ जाए, बहुत रश होता है। इवन कि यहाँ पे पार्किंग तलाश करने के लिए आपको 10-10 यूटर्न्स लेके आने पड़ते हैं। ब्रांड्स ऐसा नहीं है कि मुल्तान में सिर्फ यही रोड है कि जहाँ पे आपको तमाम ब्रांड्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये एक ब्रांड रोड के नाम से मशहूर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे तमाम ब्रांड्स ने अपनी शॉप्स ओपन कर ली हैं। बाकी आप कहें बुनंजा, बुनंजा मुल्तान में और भी 3-4 होंगी, स्टाइलो मुल्तान में 5-7 होंगी। अच्छा इसके बाद यूनिवर्स जो है वो 2-3 शॉप्स होंगी यहाँ पर, तो बहुत कुछ है यहाँ पर, मगर ये ब्रांड रोड सिर्फ़ एक मखसूस कह लें आपके इन्होंने कर दिया इसके लिए कि तमाम चीज़ें आपको, जैसे कहते हैं ना एक ही छत के नीचे से आपको तमाम चीज़ें मिल जाना, तो इस रोड से आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक नया सुपर स्पेस आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बहुत अच्छी चीज़ खुली है, अभी तक मैं आया नहीं बच्चों को लेके, बच्चों को लेके आऊँगा यहाँ पर इंशाल्लाह और इन्जॉय करेंगे, उसका भी व्लॉग बनाएंगे जब मैं आऊँगा। यहाँ से ब्रांड रोड ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और इधर बहुत सारी खाने पीने की मार्केट भी थी जो आपकी नज़रों से शायद ओझल हो गई, तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हार्डीज था, KFC था, तो मैं आपको छोटे से यहाँ पे होटल्स दिखाया था जो यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से आप खाए कुछ खा पी सकते हैं। चाय खाना है यहाँ पे, स्केचर्स है, लोगो है, लिट है, ब्रीज है, स्वीट क्रीम है, बेस्किन रोबन है, बर्गर स्टेशन है, और ये क्या है जी, वाली वेफल है, लंडन कोर्ट यार्ड है यहाँ पे, डंकन डोनट है, इफ़ी है, और ये बर्गर बीस्ट बर्गन कैफ़े है, आंगन है, वलीद खान,
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो मिल जाएंगे। तो इसी अंधेरे में जो है हम अपना व्लॉग आज का ख़त्म करते हैं, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी एक नए व्लॉग में। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहा करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए एक वाइस फ़ख्र चीज़ है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख के स्किप ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।